हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का बेसिक इंट्रो। फ्रेंड्स, यहां सबसे पहले 2.3 बनाने से पहले 2.3 का जो बेसिक है बेसिक जान लेंगे तो बनाने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक होता क्या है तो ध्यान दीजिएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि ये जो है पॉलीनोमियल डिवाइड है। तो पॉलीनोमियल डिवाइड कैसे करते हैं तो सिंपल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि अगर कोई नंबर है और उसके साथ अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर का मतलब कि ए से जेड तक कोई भी लेटर हो सकता है, तो इस नंबर को फ्रेंड्स, ये जो नंबर है काउंटिंग का नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कोफिशियंट। और ये जो अल्फाबेटिकल लेटर है उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? वेरिएबल। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब सिंपल बात है कि यहाँ पे 2 के जगह 4, 5, 10 कोई भी नंबर आ सकता है। तो कोई भी नंबर हो, काउंटिंग का नंबर होगा तो क्या होगा? कोफिशियंट होगा। और अल्फाबेटिकल लेटर एक्स वाई जेड ए बी सी कोई भी लेटर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। अब बात करते हैं कि इस डिवाइड को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, किस बात पर ध्यान देंगे कि डिवाइड आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अप्लाई करते हैं, हम समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझाने की मेरी गारंटी है। तो सबसे पहला बात इसमें क्या है फ्रेंड्स, नंबर पे ध्यान देना, यानी कोफिशियंट जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले नंबर का कंपेयर, अगर नंबर का कंपेयर हो जाएगा तो करना क्या है, नंबर का कंपेयर के बाद आपको पावर का कंपेयर इस प्रकार से करना है तो आसानी से बन जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा जाए तो हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है। कभी वेरिएबल एक्स होगा तो कभी वाई होगा, कभी जेड होगा, यानी लेटर चेंज होते रहेगा। तो क्या करना है ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे नंबर का कंपेयर, सबसे पहले किसका कंपेयर करना है फ्रेंड्स, नंबर का। तो यहाँ पे 2 है और बाहर में कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, अगर ऑलरेडी पहले से कोई नंबर है तो आपको 1 नहीं देना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो गया और ये क्या है फ्रेंड्स, 2। तो आपको इसमें ए नहीं देखना है कितना कम पड़ रहा है, तो जी गलत हो जाएगा। सिंपल, आप एक डिवाइड पढ़े थे, मान लीजिए कि 2 और 6 है, तो आप क्या करते थे सिंपल डिवाइड में, 2 का टेबल में 6 कितने टाइम में आता है तो 3 टाइम में, ऐसे ही करते थे ना, कितने टाइम में आता है। तो जस्ट इसमें भी वही करना है, कितने टाइम में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखना होगा, कुछ भी नंबर नहीं तो 1 मान लीजिएगा, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं मान सकते। तो 1 का टेबल में 2 कितने टाइम में आता है फ्रेंड्स, तो 2 टाइम में 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, नंबर का तो कंपेयर हो गया, नंबर का कंपेयर कैसे किए, टेबल पढ़ना पड़ता है कि इस नंबर का टेबल में कितने टाइम में आएगा। बाद में क्या करना है, पावर, यानी कि एक्स इसमें है तो इसमें भी एक्स ही होना चाहिए, यहाँ एक्स और यहाँ वाई कभी पॉसिबल नहीं है डिवाइड। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एक्स और एक्स, तो पावर देखिए कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है और इस पे भी पावर 1 है, तो पावर तो दोनों का बराबर दिख रहा है, इसलिए आपको एक्स देने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या आया, ओनली 2 आया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको रब कर देंगे, समझने के लिए किए थे, ध्यान देना है। अब क्या करना है, तो इधर का नंबर एक्स और इधर का नंबर कितना है 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 में एक्स तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 2x, और यही तो मुझे लाना था ना, तो बिल्कुल यहाँ पे लिख देंगे 2x। इसको कॉपी नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, ए अपना जो मल्टीप्लाई करके आया है दोनों नंबर का वही लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा 2x आ गया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा बात और ध्यान देना है कि इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है फ्रेंड्स, और इसे क्या करना है, इसका रिवर्स साइन करना है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो साइन प्लस है, और ये भी प्लस तो प्लस प्लस माइनस, जबकि ऐसा नहीं होता। साइन कहाँ से चेंज करना है फ्रेंड्स, तो नीचे वाले को देखना है, नीचे का साइन क्या है, तो नीचे का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, और माइनस रहेगा तो
प्लस कर दीजिएगा, रिवर्स कीजिएगा और ये साइन को सर्कल कर लीजिएगा। अब इस साइन की कोई वैल्यू नहीं रह गई, इस साइन की वैल्यू है। अब देखो इसको ए प्लस में है और ए माइनस में है, इस साइन को नहीं देखना है फ्रेंड्स क्योंकि ये सर्कल हो गया। अब प्लस और माइनस तो घटती है, अलग अलग जब भी रहेगा फ्रेंड्स प्लस माइनस या माइनस प्लस तो घटेगी, तो घटा दीजिए। 2 से 2 दोनों बराबर है तो कैंसल और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जीरो। तो इस प्रकार से हमारा ए डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको चेक करने का रूल्स क्या है, तो रूल्स यहाँ ये होता है फ्रेंड्स, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। इधर स्पेस कम है तो इधर लिख देते हैं रिमाइंडर। तो फ्रेंड्स देखिए चेक करने का रूल्स क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। अब समझेंगे कि डिविडेंड को क्या बोलते हैं, डिविडेंड किसे बोलते हैं, डिवाइजर किसे बोलते हैं, क्यूसेंट किसको बोलते हैं और रिमाइंडर किसे बोलते हैं। तो समझिएगा डिविडेंड का मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ये अपना डिविडेंड है, डिविडेंड का मतलब जिसमें डिवाइड किया गया, ये हमारा हो गया डिविडेंड, डिविडेंड। उसके बाद डिवाइजर, तो डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया डिवाइजर, और ये हमारा जो नीचे करके आता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर। एंड ये जो हमारा पार्ट बचा वो क्या हो गया, क्यूसेंट, क्यूसेंट। अब जरा समझेंगे कुछ बात और, अगर कोई डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है, इस पार्ट को हम लोग तो डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो डिवाइड करके आता है उसको बोलते हैं क्यूसेंट, क्यूसेंट, और जो हमारा लास्ट में बचता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो रिमाइंडर, इस प्रकार से बोलते हैं। अब जरा समझिएगा, अब हम लोग तो बचपन में सीख चुके थे और अभी भी यही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब समझना है कि डिवाइजर को हम लोग डिनोट करते हैं जी, और ए इसको करते हैं पी, और इसको करते हैं अपना क्यू, और इसे करते हैं रिमाइंडर को आर लिखते हैं। अब यहाँ पे बात रह गई कि लेटर जो रहता है एक्स लग करके वाई लग के, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन एक्स के टर्म में है, देखिए तो एक्स के टर्म में है तो यहाँ एक्स एक्स लग जाएगा सभी में, अगर क्वेश्चन ओ वाई के टर्म में है तो सभी में ओ वाई लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यही सिस्टम है, अब समझ लीजिए। अब चलते हैं दूसरे डिवाइड को बनाने, तो आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्स और दूसरे में है एक्स स्क्वायर, करना क्या है सबसे पहले किसका कंपेयर करना है फ्रेंड, तो सबसे पहले नंबर का कंपेयर करना है। तो यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है तो ओ वन, और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो ओ वन, तो बोला जाए तो दोनों में वन वन ही है, तो वन का टेबल में वन कैसे आएगा, तो वन टाइम में, तो वन टाइम, चलिए ओ वन। बात करेंगे पावर, इस पे वन है, नंबर का कंपेयर हो गया फ्रेंड्स, अब पावर का, पावर वन है ए पावर टू है, कितने पावर कम रहा है, तो बस इस पे पावर टू और इस पे पावर वन। ए तो नंबर का कंपेयर में क्या किए, टेबल पढ़ना पड़ा, लेकिन पावर कंपेयर में क्या करना पड़ता है, पावर को माइनस करना पड़ता है, कितना कम पड़ा है, दो में से एक गया तो एक पावर, तो एक के लिए क्या एक लिखेंगे, जी नहीं, अगर एक पावर कम रहा है तो एक से तो एक से लिख लीजिएगा क्योंकि एक पावर छिपा है। अब क्या करना है, वेरिएबल के पहले वन लिखे या ना लिखे छिपा रहता है, इस प्रकार से हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स इसका यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोनों साइड वाले को, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो होता है पावर, पावर का प्लस होता है, तो वन पावर है और ये भी वन पावर है, कितने पावर हो गए टू। तो इस प्रकार से इसी नंबर को लिख देना है और साइन चेंज करना है, ए प्लस है ए भी प्लस है, इसका रिवर्स करेंगे माइनस,
ए कैंसल और ए हो गया जीरो। तो सिंगल टंबल ए इजी है, उसका जब भी आएगा तो जीरो ही आएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए इतने सारे क्वेश्चन क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपका जो कन्फ्यूजन है उसको डिक्लियर मतलब पूरी तरह से क्लियरफाई कर दें। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या है, 2y (4y)3। देखिए इस क्वेश्चन में इधर नंबर था लेकिन इधर नहीं था, इस क्वेश्चन में दोनों में नंबर नहीं था, इस क्वेश्चन में दोनों में नंबर है, यानी कुछ न कुछ अलग अलग टाइप के हैं और अलग अलग टाइप को अलग अलग तरीके से इसलिए सिखाया जा रहा है कि किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से समझ सके। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा नंबर का कंपेयर, बिल्कुल ये फार्मूला रख लीजिए कि पहले नंबर का कंपेयर बाद में पावर का कंपेयर। तो 2 का टेबल में 4 कितने टाइम में फ्रेंड्स आता है, तो 2 2 1 2 2 2 4 टू टाइम में, तो 2 लिखेंगे। ये मत समझिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ कितना कम है, ऐसा नहीं करना है, पहले टेबल पढ़ना है। जब भी नंबर का कंपेयर कीजिए तो टेबल पढ़ना है कि 2 का टेबल में 4 कितने टाइम में आता, 2 टाइम में। अब मुझे क्या करना है, पावर का कंपेयर, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 3 है, तो पावर में क्या करना पड़ता है, पावर को माइनस करना पड़ता है। 3 में से 1 गया तो कितना पावर बच गया, 2। 2 पावर का मतलब वही लेटर लिख करके पावर जितना कम रहा है डाल दीजिए। अब क्या करना है, आंख मूंद करके यही लिख दीजिए जैसा है वैसा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। अब साइन चेंज, ए प्लस हो गया, सर्कल करेंगे माइनस बनेगा, ए कैंसल, ए हो गया 0। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहीं पे बना लेते हैं। यहां पे देखिएगा फ्रेंड्स 3x (6x)2। अब कीजिए और क्या, आसान है, तो क्या करना है, वही फार्मूला फिर से अपनाना है रामबाण। 3 का टेबल में 6 कितने बार में आता, तो जी 3 1 3 3 2 6, 2 टाइम में, तो 2 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 2 है, यानी कि नंबर कंपेयर हो गया, अब पावर का, तो पावर में क्या करते हैं फ्रेंड्स, वही तरीका है, माइनस कर लीजिए, 2 में से 1 पावर गया तो 1 पावर बचा, तो 1 पावर के लिए 1 नहीं लिखा था, 1 बोला जाए तो छिपा रहेगा पावर, 1 जब भी आएगा तो x डालना है ना कि 1 डालना है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे भी देखिएगा मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखिए इसको और इसको दोनों साइड वाले को, यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट, 3 2 6, पहले नंबर का मल्टीप्लाई, बाद में x, तो x मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो एक पावर यहाँ भी है कुछ नहीं तो, और यहाँ भी एक है तो पावर 2 हो गया, इस प्रकार से वही आ गया। यानी कहा जाए एक टर्म सिंगल टर्म वाले डिवाइड है तो सिंपल वही आएगा। अब क्या करना है, इसको प्लस लिख देना है, कोई भी साइन नहीं तो प्लस, और इसको करेंगे तो माइनस, ए कैंसिल, 0। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को, x² + x + 1 इसको डिवाइड करना है x से, और एक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, सिंपल है, ये थोड़ा स्टेप बढ़ गया, 1 2 3 स्टेप, यानी ट्राइनोमियल है, तो इससे डरना नहीं है आपको, आपको सिंपल जो तरीका बता रहे हैं वैसे करते रहिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए 3 टर्म इधर आ गया, इधर सिंगल टर्म है, तो आपको बस फोकस करना है केवल एक एक का, शुरू से शुरू, इसका शुरू क्या होगा तो x, और इसका शुरू क्या होगा x, क्लियर है, शुरू से शुरू, बाकी से कोई मतलब नहीं है, चाहे हजार रहे चाहे बाजार रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू से शुरू। अब देखना है कि इस पे पावर, यानी कहा जाए तो इसका नंबर 1 है और इसका नंबर 1 है, यानी कहा जाए तो दोनों में नंबर नहीं है, तो नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 2 है, नंबर का तो कंपेयर किए, तो नंबर दोनों में नहीं था तो नहीं देंगे, अगर एक में भी है तो देख लीजिएगा कि उसके टेबल में कितने टाइम में आता है। अब क्या करना है, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 2 है, कितने की कमी है फ्रेंड्स, तो बस 2 में से 1 गया, 1 पावर, 1 पावर का मतलब x लिखना है, अगर y रहेगा तो y लिख देंगे। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो कैसा मल्टीप्लाई, तो सिंपल देखिए, a इधर का नंबर, a वाला,
और इधर का नंबर एरफ में करना है फ्रेंड्स, ध्यान रहे ए नंबर और ए नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स एक्स तो एक्स और पावर 112। अगर कोई बोले ए में ए से कीजिए तो ए पावर कितना 112। अगर कोई बोले ए स्क्वायर में ए से कीजिए तो सिंपल है ए ए और पावर ऐड हो जाएगा 2 और 1 पावर 3। तो इस प्रकार से होता है। तो अभी हम लोग देखें कि एक्स एक्स को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के सामने लिख देंगे। अब क्या करना है, प्लस करना है। अरे प्लस है, इसको सर्कल करके उसका उल्टा करेंगे तो माइनस, अगर ये माइनस रहता तो प्लस। अब इसे क्या करना है, ऐसे कर देना है, इस प्रकार से काटना है कि साइन पे नहीं जाना चाहिए, चिन्ह पे नहीं जाना चाहिए। तो ये कट गया। बच्चा क्या, जितने भी बच्चा है वो सबको नीचे उतार दीजिए, सबको उतारना पड़ता है। एक सिंपल डिवाइड हम लोग बनाते थे 3 से, तो क्या करते थे 3 2 6 9 एक एक नंबर उतारते थे और एक एक नंबर को लगाते थे। जब डिवाइड नहीं लगता था तब 2 नंबर उतार कर एक जीरो लगाते थे। लेकिन ये सिंपल डिवाइड नहीं है, पॉलिनोमियल डिवाइड है। जब भी नंबर, जितना भी नंबर बचे हो सभी नंबर को नीचे लेके आना है। चलिए अब बात करते हैं फिर से, तो ध्यान दीजिएगा फिर शुरू से शुरू। तो इसका भी शुरू और इसका शुरू, अब यहाँ की बात नहीं रह गई, अब यहाँ आ गए, तो इसका शुरू और इसका भी शुरू। तो दोनों में शुरू शुरू देखिए तो शुरू ही है। बात करेंगे साइन क्या डालें, तो यहाँ पे जो साइन रहेगा वही डाल दीजिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस डाल दीजिएगा और यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस डाल दीजिएगा, सिंपल है। अब देखिए कि यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे भी नंबर नहीं है, इधर से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, हमें मतलब है इसका शुरू एक्स और इसका शुरू एक्स, यानी शुरू शुरू से नंबर से मतलब है। तो नंबर दोनों में नहीं है तो नंबर वाली बात छोड़ दीजिए। अब मुझे क्या करना है पावर की, देखिए तो पावर इस पे भी 1 है और इस पे भी पावर 1 है, यानी ना तो नंबर कम रहा है ना तो पावर कम रहा है, यानी पूरा का पूरा चेहरा मिल जाए तो क्या करना चाहिए, ओ 1 लिख देना चाहिए, क्योंकि आप सीखे हैं 4 4 दोनों का तो चेहरा मिल रहा है तो कितने टाइम में, 1 टाइम में। तो दोनों का चेहरा मिल जाए, पावर ऊपर कुछ भी कम ना पड़े तो 1 लिख देना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ए नंबर जो अभी जिससे कर रहे थे इधर का, और इधर का नंबर कौन सा लेना है जो अभी लिखे हैं 1, गुना कीजिए तो 1 में एक्स से 1 एक्स, 1 नहीं लिखा था एक्स, तो एक्स कहाँ लिखेंगे, एक्स के सामने, तो लिख देंगे एक्स के सामने और बाकी इधर नहीं लिखेंगे। अब साइन चेंज कर लीजिए, माइनस हो गया और इसको नहीं करना है, साइन किसका चेंज करना है, जो नंबर नीचे लिखा है उसी का चेंज होगा, इसका चेंज नहीं होगा। चलिए ए कैंसल, बच्चा क्या प्लस 1। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, अब मुझे ए करना है कि देखिए डिवाइड लगेगा कि नहीं, तो देख लीजिए यहाँ से सिंपल है, आप सिंपल डिवाइड बनाते थे तो अगर इससे करते थे 7 में 3 2 6 1 बच गया, यानी इससे छोटा आ जाता था नंबर और ऊपर से नंबर नहीं रहता था तो कहते थे कि ये रिमाइंडर बच गया, डिवाइड नहीं बनेगा। तो देखिए उसी प्रकार इसमें देखना है कि यहाँ वेरिएबल है यहाँ वेरिएबल नहीं है तो आगे डिवाइड नहीं बढ़ेगा, यानी डिवाइड का रिमाइंडर यहीं पे हो गया, या तो यहाँ पे अगर पावर 3 रहता यहाँ पे पावर 2 आ जाता, यानी पावर कम जाएगा तो डिवाइड स्टॉप हो जाएगा, डिवाइड रुक जाएगा, यही हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स, बिल्कुल इसको भी जामा पहना दीजिए, सिंपल है। तो बस सिस्टम क्या है, ए 10,000 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी कहानी क्या है, शुरू से शुरू नंबर का कंपेयर पावर का कंपेयर, खत्म हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका शुरू इसका शुरू, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका शुरू इसका शुरू। अब देखिए दोनों का शुरू तो देख लिए, अब दोनों में कंपेयर कीजिए, इसके आगे कुछ नहीं तो कुछ नंबर नहीं है, इसके आगे भी नंबर नहीं है, तो दोनों में नंबर नहीं है तो नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं, अब नंबर का कंपेयर हो चुका है, पावर की कंपेयर, तो इस पे पावर 2 है और इस पे पावर 3 है, कितना पावर कम रहा है, पावर में क्या देखते हैं कम रहा है, तो 3 में से 2 तो 1 पावर, तो 1 के लिए क्या फ्रेंड्स 1 लिख देंगे, तो जी नहीं एक्स लिखेंगे, एक्स तब ना 1 पावर रहेगा। चलिए
अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए ये रफ में करना है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कौन सा इधर का नंबर x, मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स 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 ही रहेगा, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, तो 2 पावर अरे 1 पावर कितना हो गया 3 पावर, यानी वही आ गया 3 पावर है, माथे पे कितना है 3, तो 3 वाला कहाँ लिखेंगे 3 के सामने, अपने पेयर के सामने, तो एक्स रेस टू पावर 3, और कोई नंबर तो नहीं है कि इधर लिखे, तो नहीं लिखना है। अब मुझे क्या करना है, साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो इसे क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, माइनस, ए माइन, इसको नहीं चेंज करना है, क्यों, जब भी साइन चेंज करना है तो जो नंबर नीचे है उसी का करना है, ऊपर वाले का नहीं करना है, तो चलिए ए कैंसल, अब क्या हो गया ए माइनस, तो माइनस एक्स है तो एक्स, अब देखिए डिवाइड बनेगा या नहीं बनेगा, तो देख लीजिए इस पे पावर 2 और इस पे पावर कितना हो गया 1, यानी पावर कम गया इसलिए डिवाइड आगे नहीं बनेगा, हमारा रिमाइंडर यही हो गया, तो इसी प्रकार से हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से देखिएगा, क्योंकि ये बाइनोमियल वाला डिवाइड है, बाइनोमियल क्या, दो टर्म, एक दो, दो टर्म वाले हैं, तो इसको कैसे करेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इस प्रकार से है, तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल है, ध्यान दीजिएगा शुरू से शुरू बस कितना भी टर्म रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम वही है शुरू से शुरू, तो देखिए शुरू करते हैं, तो इसका शुरू इतना से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, इसका शुरू अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका शुरू देखिए इधर देखते हैं रफ में, तो इसका शुरू क्या हो गया x, और इसका शुरू, तो इसका शुरू है 2x², बस इतना, इसका शुरू और इसका शुरू बस इतने का कंपेयर कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, आपको ज़्यादा देखना नहीं है, शुरू से शुरू, शुरू से शुरू लिख दिए ए रफ में लिख करके देखिएगा, अब उसके बाद सिस्टम क्या है, पहले नंबर का कंपेयर बाद में पावर का कंपेयर, तो देखिए इसके पास कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है और इसके पास 2 है, तो यहाँ पे क्या देखना है, 1 का टेबल में 2 कितने टाइम में आता है फ्रेंड्स, तो 2 टाइम में, चलिए टेबल देखना है कितने टाइम में आता, 2 टाइम में, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 2 है, कितना पावर कम रहा है फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे कि सर 2 में से 1 गया, 1 1 नहीं लिखाएगा, x है तो x लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे क्या लिखाएगा मेरा फ्रेंड्स, 2x, सिंपल है ना फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, इधर का टर्म कितना है 1 2, दो टर्म वाले यानी इधर वाले नंबर को घर में लिखना है, ध्यान रहे इधर वाले नंबर को घर में लिखना है, क्योंकि ये बाइनोमियल है, वहाँ घर में क्यों नहीं लिखते थे, क्योंकि दोनों तरफ सिंगल सिंगल रहते थे इसलिए नहीं लिखते थे, तो दो टर्म वाले को घर में, अरे सिंगल टर्म जो बचा उसको घर से बाहर लिखना है, अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करना है, करिए 2 तो 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 2 1 2, पहले नंबर का मल्टीप्लाई 2 1 2, एक्स एक्स तो एक्स ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर ऐड होगा, 1 पावर और 1 पावर 2 पावर, प्लस तो प्लस, अब किससे करना है, तो 2 2 4, इसका इससे मल्टीप्लाई, वापस इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि घर में 2 जन है तो दोनों जन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, यहाँ एक्स नहीं है लेकिन यहाँ है, अगर कहीं पे एक्स ऐड है तो आपको देना पड़ेगा, तो हमारा मल्टीप्लाई ए आया, अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, पावर 2 वाला ए नंबर से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, पावर 2 वाला 2 के सामने, पावर 2 वाला है क्या माथे पर 2, तो जी है, तो इसके सामने ए नंबर लिखा जाएगा 2x², उसके बाद एक्स वाला, तो एक्स वाला ए है तो इसके सामने प्लस 4x, हम लोग को साइन एक कॉपी नहीं करना है, हमारा जो साइन यहाँ पे आया वही साइन लिखना है, और 4 आया तो 4, ऐसा नहीं कि ये नंबर मिलना ही चाहिए, मिले या ना मिले अपने को पावर मिलना चाहिए, तो इस प्रकार से हम लोग को करना है। अब देखिए फ्रेंड्स ए प्लस से है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ए भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अब इसका साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि ये ऊपर में है, चलिए बात करते हैं, इससे ये कट गया, ये कट क्यों गया, क्योंकि ये प्लस है या माइनस है, इस साइन की कोई वैल्यू नहीं, प्लस माइनस घटती है, नंबर सेम है कैंसल, ए प्लस है और ए माइनस है,
तो क्या इससे भी काट दे? तो जी नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों नंबर डिफरेंस है, फर्क है, एक थ्री एक फोर है। तो क्या करना है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, अलग अलग जात तो घटाएंगे। और लाठी किसके चलेगी, माइट इज राइट, जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो नंबर बड़ा उसी का साइन। बोलिए फोर बड़ा या थ्री बड़ा, तो फोर बड़ा, तो फोर का साइन, तो ये साइन नहीं है फ्रेंड्स, ए है, माइनस, फोर में से थ्री गया वन, वन ना लिख करके क्या लिखना है मुझे, एक्स, और प्लस तो प्लस, वन तो वन, ऊपर का नंबर उतार देना है। तो समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना है, बस सिंपल समझिएगा, फिर शुरू से शुरू हो जाइए। तो इसका शुरू एक्स और इसका शुरू माइनस एक्स, इसका शुरू एक्स और इसका शुरू माइनस एक्स। माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझिए, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लिख दीजिएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिख दीजिएगा, यानी लेटर लिखना है या नंबर लिखना है। तो इसका शुरू एक्स और इसका शुरू एक्स, दोनों सेम लिख दिया। अब दोनों में कंपेयर देखना है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, दोनों में कंपेयर कीजिए क्या कम रहा है। तो दोनों में नंबर नहीं है, नंबर की कोई जरूरत नहीं है, पावर इस पे वन है, इस पे भी पावर वन है, यानी पूरा का पूरा शक्ल मिल रहा है, तो वन लिख देना है। क्या लिखना है फ्रेंड्स, वन लिखना है, वन लिख देंगे। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कैसे करें मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस टू, अभी जस्ट बताए थे फ्रेंड्स, इधर वाले पूरे नंबर को ब्रैकेट में, ये पूरा कब लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी तब। अब उसके बाद ए जो नंबर बचा, इसको ब्रैकेट के बाहर साइन के साथ, साइन के साथ, ए नहीं फ्रेंड्स, जो अभी लिखे उसे लिखना है। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस, वन इंटू एक्स, वन एक्स, वन नहीं लिखाता, वन छिपा रहता है। चलिए माइनस और प्लस तो माइनस, वन टू जेड टू, ना तो यहाँ एक्स है ना यहाँ एक्स है, एक्स नहीं देना है। चलिए अब नोट डाउन करते हैं, तो ये एक्स वाला एक्स के सामने, एक्स वाला है जी है, तो माइनस एक्स, जो अपना साइन आया वही लगाना है। अब देखिए टू, जो टू है वो किसके सामने, नंबर नंबर के सामने, तो नंबर नंबर के सामने लिख देंगे, माइनस टू, जो अपना साइन है वही टू, नंबर मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए साइन चेंज, साइन चेंज करना कंपलसरी है, ए माइनस है क्या बनेगा प्लस, ए माइनस है क्या बनेगा प्लस। अब देखिए ए माइनस हो गया, अरे प्लस हो गया, नंबर सेम कैंसल, ए प्लस अरे भी प्लस, तो प्लस दोनों को ऐड कर देंगे, इस प्रकार से हमारा थ्री आ गया। अब तो कोई नंबर ऊपर से बचा भी नहीं है, और देखिए इसका पावर वन, यानी ये वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है, अब डिवाइड नहीं बनेगा, रिमाइंडर हमारा थ्री आ गया, और क्यूसेंट हमारा इतना आ गया। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और है, एट नंबर, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एट, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 16, इसे कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, लेकिन समझाने की 100% मेरी गारंटी है। आपको उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद अगली कोई वीडियो देखने की जरूरत न पड़े, इस तरीके से आपको समझाया जा रहा है। तो चलिए फिर हो जाइए शुरू से शुरू, शुरू से शुरू, यानी शुरू क्या है भाई, तो एक्स है, और इसका शुरू क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका शुरू और इसका शुरू, दोनों का शुरू, शुरू हो गया। अब दोनों को अलग अलग लिख के देख लिए रफ में, अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, नंबर का कंपेयर, बाद में पावर का कंपेयर। तो इस पे पावर ए, इस पे नंबर इसमें भी नहीं है, नंबर इसमें भी नहीं है, अगर किसी एक में भी नंबर है, अगर इधर नंबर रहता इधर नहीं रहता, तो वन लगा के देखते कितने टाइम में आता है, लेकिन दोनों में नंबर नहीं है तो नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पावर टू, अरे पावर वन, कितना पावर कम रहा है फ्रेंड्स, नंबर का तो कंपेयर हो गया, पावर की बात करें तो टू में से वन गया तो वन पावर, यानी कहा जाए तो वन, तो आसानी से आ गया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टू सेम आना ही आना है, लेकिन अपने को ये देखना है, अब अपने को देख लिए कि ये दोनों में, तो एक्स लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, एक्स लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, तो एकदम सिंपल है, मल्टीप्लाई करते समय इसे जिंदा कर लेना है, यानी ए पूरे को लिखना पड़ेगा इधर वाले ब्रैकेट में, और ये सिंगल टर्म वाले बाहर साइन के साथ, साइन क्या है कुछ नहीं तो प्लस है। चलिए बात करेंगे प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर वन टू, माइनस प्लस माइनस माइनस, फोर इंटू एक्स तो फोर एक्स, पहले नंबर तब एक्स। अब चलिए लिखते हैं, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई तो कर लिए,
पावर टू वाला टू के सामने और एक्स वाला एक्स के सामने, तो पावर टू वाला, तो पावर टू वाला टू के सामने और एक्स वाला एक्स के सामने, नंबर मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का पावर मिलना चाहिए, पावर वन वाला वन के सामने, तो माइनस फोर एक्स। अब मुझे क्या करने हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन चेंज, ए प्लस है तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, ए माइनस है क्या बनेगा, प्लस बनेगा। कभी ये मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि माइनस माइनस प्लस किए हैं, ऐसा नहीं, नीचे वाले को देखिए, ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे माइनस है तो प्लस बनेगा, नीचे प्लस रहेगा तो माइनस बनेगा। अब जरा देखिए, दोनों कैंसिल हो गया, सेम है, ए माइनस है और ए प्लस है, क्या इसे भी कैंसिल कर दें, तो जी नहीं, क्योंकि दोनों का नंबर डिफरेंस है। अब क्या होगा, माइनस प्लस घटती है, घटा लेंगे, तो 8 में से 4 गया कितना बच्चा, 4x है, तो x यहाँ पे पावर नहीं जोड़ना है फ्रेंड्स, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल माइनस कर रहे हैं, तो नंबर का माइनस होता है, पावर ऊपर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता। पावर ऐड कब होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तब, पावर सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब डिवाइड करते हैं तब। यहाँ पे माइनस या प्लस करते समय पावर ऐड नहीं करेंगे। देखिए माइनस और प्लस तो घटता है, साइन किसका, तो बड़े का, बड़े कौन है, 8, 8 का साइन माइनस, प्लस जितना लिखा है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है, फिर शुरू से शुरू, शुरू से शुरू, फिर शुरू से शुरू, फिर शुरू से शुरू, शुरू से शुरू करते रहिए, खत्म हो जाएगा। चलिए बात करते हैं एक्स माइनस फोर, इसको ब्रैकेट में रख, यानी कहा जाए कंपेयर कर रहे हैं, इसका शुरू एक्स, इसका शुरू, ए माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस डाल दीजिएगा। चलिए इसका शुरू नंबर केवल लेना है, इसका शुरू x, इसका शुरू 4x, इससे कोई मतलब नहीं। चलिए बात करते हैं क्या कमी है, तो इसमें नंबर है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 देना पड़ेगा, 1 का टेबल में 4 कितने टाइम में, 4 टाइम में। चलिए हो गया नंबर का कंपेयर। उसके बाद पावर देखिए, 1 पावर 1 पावर, पावर दोनों का सेम है, पावर नहीं देने की जरूरत है, पावर सेम है। चलिए यानी एक्स नहीं देंगे, अब क्या करना है, बस लिख दीजिए 4 का 4, ये तो माइनस था तो माइनस दे दिए, क्या कम रहा था तो 4। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स माइनस फोर, एक घर एक दोनों को, इधर वाले नंबर जो अपना डिवाइजर है उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, और अभी जो जस्ट लिखे हैं, क्या लिखे, जस्ट माइनस फोर, उसको ब्रैकेट के बाहर, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए रफ में, तो माइनस फोर एक्स, माइनस और माइनस, प्लस, 4 4 जा 16, इस प्रकार से आया फ्रेंड्स। तो अब लिखना है एक्स वाला एक्स के सामने, एक्स वाला, नंबर मिले या ना मिले, एक्स वाला है तो लिख देंगे माइनस फोर एक्स, और ए जो है 16, ए नंबर नंबर के सामने, तो नंबर तो मिल गया, सेम टू सेम मिल गया तो और अच्छी बात है, नहीं मिले फिर भी नंबर के सामने ही लिखेंगे। चलिए ए प्लस हो जाएगा, अरे हो जाएगा माइनस, ए कैंसल अरे भी कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस नंबर सेम, और इसका रिमाइंडर कितना आ गया फ्रेंड्स, 0। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।